और एक अजीब बात है, भैया के पास देखो स्टेटोस्कोप है जो डॉक्टर रखते हैं, तो अभी चेक करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे इससे स्टेटोस्कोप से। ये देखो भाई लगा लिया कान पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी फिलहाल का सीन है, हमें जाना है मेरठ और अभी टाइम देखो क्या हो गया 8:30, तो सुबह सुबह निकल रहे हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट लोगों में बताया था कि कार में थोड़ा बहुत काम कराना है, तो हमने यहाँ पे पता किया था, यहाँ पे तो भाई बड़ों में पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। और फिर मेरठ पूछा तो मेरठ में एक काफी अच्छे जानकार निकल गए हमारे, उनके पास सारे पार्ट्स अवेलेबल है, उनकी खुद की भी वर्कशॉप है और वो काफी अच्छा काम करते हैं, वो मतलब नेक्सा के शोरूम पे भी काम करते हैं, वहाँ के सर्विस हेड हैं, तो उन्हीं के पास जा रहे हैं। तो बात बात सब कर ली हमने पहले से उनसे, तो मैं तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी हो चुका हूँ, पापा रेडी हो रहे हैं और फिर अभी निकलते हैं। कार तो बाहर निकाल ही दी थी, तो अभी बस पार्किंग में स्कूटर और जो है बुलेट खड़ी हुई है, तो अभी निकलते हैं और नाश्ता भी करना बाकी है, तो अभी नाश्ता भी कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट भी लग गया है, तो और आज ब्रेकफास्ट में है काली दाल की खिचड़ी। सोरे खाएगा खिचड़ी, ए वो गया बहुत बढ़िया। नहीं कुछ नहीं खाना, साफ सफाई चल रही है भाई, सुबह सुबह का काम जो होता है। तो अभी फाइनल ब्रेकफास्ट भी हो गया और अभी बस पापा जो है मैक के इंजेक्शन रेडी कर रहे हैं, जाने से पहले मैक का इंजेक्शन लगा देते हैं। तो जाने से पहले ही लगा रहे हैं, बिकॉज मैक की तबीयत का कुछ नहीं पता भाई, बिल्कुल ऐसी हो रखी है अजीब सी, लेकिन अभी काफी आराम है, मतलब मैक काफी ठीक हो गया। मैक आ जा, मैक चलो, इसे पता चल गया, चल मैक खड़ो आओ, चलो बाहर चल रहे घूमने, चलो 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 बाहर चल रहे। तू बड़ा खुश हो रहा, तेरे भी लगवा दूंगा इंजेक्शन। तो भाई अभी फाइनल निकलते हैं, मैं तो इंजेक्शन तो लगवा दिए, और गर्मी का तो भाई पूछो मत, पूरा हाल हो रखा है। एंड कार जो है रोड पे पार्क कर रखी थी, बिकॉज गली में तो रास्ता रुक जाता है, तो अभी चलते हैं। वो उधर खड़ी है कार, फाइनली हम निकल चुके हैं, टाइम देखो पूरे 9 बज गए, और साथ में हमारे एक फ्रेंड भी जाएंगे, तो मनोज जी हमारा वेट कर रहे हैं, तो अभी उन्हें पिकअप करेंगे। तो अभी चलते हैं, मार्केट सुबह सुबह खुल गया। आइए मनोज जी, जय श्री महाकाल। लगभग एक घंटा लग जाएगा मेरठ तक पहुंचने में, बिकॉज यहाँ से अराउंड 50 किलोमीटर्स तो है ही है, तो एक घंटा तो लगने ही लगना है। और बाकी जो मैकेनिक है हमारे, उनसे बात हो गई है, तो वो भी लगभग आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि मेरठ का जो मार्केट है वो लेट ही खुलता है थोड़ा, तो 10:30 बज जाते हैं खुलने में पूरा, तो हम टाइम से निकल रहे हैं क्योंकि जाम वाम लग जाता है फिर। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा, और बस अभी पापा तो ड्राइव कर ही रहे हैं और मनोज जी पीछे बैठे हैं। आए घर तो मनोज जी, आप तो शायद पहली बार आ रहे होंगे, उन लोगों मेरे आए ना, पहले आए नहीं है, नहीं आए नहीं आए, चलो अभी चलते हैं। हो चुके हैं और जस्ट अभी हम मेरठ में एंट्री लेंगे, ये फ्लाईओवर आते ही पता चल जाता है कि मेरठ आ गया भाई, तो ये रोटा बाईपास वाला रोड है। ओम नमः शिवाय। मेरठ की डीटीसी बसेस, ये इलेक्ट्रिक बस है भाई, सही काम चल रहा है, जीरो एमिशन, मेरठ मेट्रो कंस्ट्रक्शन भी चल रही है भाई। तो गाइस अभी फाइनली हम वर्कशॉप पे तो आ गए थे, ये हो भैया, तो अभी चेक कर रहे हैं कार वार का इंजन वगैरह, जो भी काम वाम होना है, तो अभी चला के देखी थी, टेस्ट ड्राइव ली थी, और बाकी ये बताएंगे क्या क्या काम होना है। और एक अजीब बात है, भैया के पास देखो स्टेटोस्कोप है जो डॉक्टर रखते हैं, तो अभी चेक करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे इससे स्टेटोस्कोप से। ये देखो भाई लगा लिया कान पे, पहली बार देख रहा हूँ मैं किसी मैकेनिक को जो है स्टेटोस्कोप से चेक करते हुए गाड़ी को। ये देखो भाई स्टेटोस्कोप से अलग ही आवाज आ रही है भाई इंजन की जो है। तो अभी हम कार देके तो आ गए हैं, जो मिस्त्री साहब है वो उसमें काम कर रहे हैं, और अभी फिलहाल हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए,
तो छोले कुलचे यहाँ पे बहुत फेमस एक जगह पे भंडारा चल रहा था उधर, तो अभी हम जा रहे हैं छोले कुलचे खाने के लिए। मनोज जी की एक बहुत मतलब जानकारी में एक फेमस दुकान है, मतलब सब कुछ जानकारी में है मनोज जी की, कोई भी सामान हो सब जानकारी का है। तो अभी वहीं पे जा रहे हैं, तो अभी चलते हैं। पापा आगे बैठे हैं अंकल के साथ जो ड्राइव कर रहे हैं। पहुँच गए क्या? राइट साइड में सर, राइट साइड में। चलो चलते हैं। अच्छा यही है क्या? चलिए इसका नाम रामचरण छोले कुलचे। काफी भीड़ है भाई, इनका इधर मेन्यू है भाई, छोले कुलचे 60 रुपए सबसे ऊपर लिखे हैं। और पता नहीं बहुत सारे सामान है भाई, कुल्फी वगैरह भी है, बूंदी रायता वगैरह। तो भाई फाइनली छोले कुलचे आ चुके हैं, काफी चटपटे लग रहे हैं भाई देखने में। तो लो भाई कुलचे भी आ गए। पापा कैसा है टेस्ट? अच्छा है। चलो और बाकी अभी मैं खा के देखता हूँ और फिर आपको टेस्ट बताता हूँ कैसा लगा। खा के अभी फिलहाल भाई छोले कुलचे तो खा रहे थे, भारी भरकम छोले कुलचे थे, पेट भर गया और काफ़ी टेस्टी थे। और अभी देखते हैं रिक्शा वगैरह ढूंढते हैं और फिर वहीं चलते हैं जहाँ पे कार रिपेयर हो रही है। अरे भाई इधर क्या चल रहा है? आग लगा के टेंट निकाल रहे? अच्छा गर्म कर रहे होंगे हल्का सा। ओहो ये भी तरीका सही है वैसे खराब चीज को सही करने का। तो अभी फिलहाल हम पोस्ट तो गए थे और इधर जो है अपनी गाड़ी में काम हो रहा है भाई, पूरी उठा रखी है। तो गियर ऑयल चेंज हो रहा है, कम हो रखा था तो हमने पूरा रिफिल करा दिया अभी। गुड़ का तेल वगैरह? हाँ काफी पतला सा है। तो गए अभी फाइनली कार में तो काम करा लिया था और अभी हम पहुंच गए हैं टायर शॉप पे। तो एक टायर डलवाना था कार में, एक खराब हो रखा था स्टेपनी वाला, तो अभी स्टेपनी वाला टायर डलवा रहे हैं नया और बाकी चारों टायर सही हैं। स्टेपनी वाली फट रखी थी तो वही चेंज करनी है बस। तो अभी भैया निकाल रहे हैं तो ये चेंज हो जाएगा टायर। और हमारा टायर उधर रखा है जो हमने देखा है, पता नहीं इधर उधर रखा था अभी वो रहा, ये रखा हमारी कार का टायर जो हमने नया लिया है, तो ये अभी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे निकलता है भाई टायर, कुछ खराब कर दिया टायर तो भाई चिपका, ये चिपका रहता होगा टायर। अच्छा अच्छा हाँ भाई देखो कैसे झटका मारा मशीन ने, अब इस पर पूरा टायर उतर जाएगा भाई, ये अजीब सी मशीन है तो पूरा टायर निकल के बाहर आ जाएगा। ये लगाई मशीन, ये देखो। अच्छा अब दूसरी तरफ से निकल जाएगा ऐसे ही। ये देखो भाई हो गया टायर फिट बाहर। चलो भाई बहुत सही, अब डलेगा इसमें दूसरा टायर, एलॉय व्हील आ गया और अब ये वाला टायर एलॉय व्हील पे लग जाएगा। भैया वो अपसाइड देख लियो, बाहर की साइड कौन सा है? आप कुछ वो ऑयल वगैरह नहीं लगाते? अच्छा अच्छा थोड़ी ऑयलिंग कर देते हो ताकि आराम से चढ़ जाए। पहुंच गया सही है, सारे मैनुअल एफर्ट खत्म हो गए भाई, नहीं तो पहले तो टायर चढ़ाने में थोड़े बचते थे। लग गया भाई 35 कर दियो। चलो भाई टायर रेडी हो गया, कितने आया? 35 ठीक है। तो अभी टायर खुल रहा है और यहाँ पे जो है बिल्कुल लेटेस्ट नए वाला टायर लगवा देगा हम, क्योंकि ये वाला टायर सबसे मजबूत होना चाहिए। क्या हाँ ये ऐसा का ऐसे ही पीछे चला जाएगा, ये आ गया नए वाला टायर बिल्कुल, ये डल जाएगा यहाँ पे, दोनों आगे के टायर नए हो जाएंगे। चलो भाई लग गया फाइनली नया टायर भी इसमें। चलो भाई अभी फाइनली स्टेपनी भी रेडी हो गई, बस हो गया काम।
चलो चलो भाई अभी फाइनल निकलते हैं। सारे टायर चेंज हो गए, बुरी हालत हो गई टायर चेंज कराने में, अदला बदली, पता नहीं आगे के पीछे, पीछे के आगे, पता नहीं क्या क्या खराब दिया भाई। तो अभी फाइनल निकलते हैं, पूरा दिन ही लग गया। अभी देखो 8 बज चुके हैं भाई, सुबह घर के लगभग 9 बजे के निकले हुए हैं, मतलब पूरी सुबह से शाम हो गए भाई काम कराते कराते। तो कार का कुछ मामला ऐसा हो जाता है कई बार कि टाइम लग ही जाता है। जिस दिन लेने गए थे उस दिन भी पूरा दिन ही लग गया था। तो चलो अभी फाइनली सारा काम हो गया, तो अभी घर पे चलते हैं। लगभग एक डेढ़ घंटा लग ही जाएगा, तो 8 बजे हुए हैं, लगभग 9:30 या 10 बज जाएंगे। तो अभी जस्ट घर पहुंचे थे, कार पार्क की है, टाइम देखो क्या हो गया, 9:30 हो गए हैं। पूरे 4 अलॉय व्हील हो गए, एक स्टेपनी लगी हुई थी ना इधर, तो वो भी अब बिल्कुल सही करा दिया। तो अभी ये अगले दोनों पहिए नहीं होंगे, मतलब हाँ जेके टायर की मिशलिन के टायर है। तो अभी जो है बुलेट अंदर करते हैं और स्कूटी अंदर करते हैं। क्यों आया तू मेरे पास, क्या है उसमें तेरे लिए? कुछ नहीं है, ले चल ले जा, चल ले जा पकड़। कुछ क्या है? आइसक्रीम, छोरिया की फेवरेट आइसक्रीम, चॉकलेट की है। क्या है, है भाई क्या है? आलू दे दो, हाथ खाले हो रखे भाई मेरे तो पूरे, यही दे दे दे, वो रख दिया तो ही खा भी से मैं नहीं खाता। मैं खा लेगा आलू, मैं खा ले, ले हाथ ना चट्टी साढ़े जो खाने का ही ना, बंदर को डालना पड़ेगा। चलो अभी बुलेट वगैरह सब खड़ी हो चुके हैं भाई, स्कूटर भी खड़ा हो गया। चलो मैं आपको घुमा दूँ एक बार, मैक चलो घूमने चल रहे हो, आ जाओ मैक चले, चलो चलो भाई बहुत देर हो गई, चलो 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 बहुत घूम लिया, फ्रेंड फ्रेंड से बातें मिलना। चलो अभी भाई घर चलते हैं भाई, सुबह से बाहर ही घूम रहा हूँ और आते भी मैं घुमाने आ गया। मैं तो नहाएंगे धोएंगे फिर करेंगे कुछ जो भी करना है। तो गाइस अभी नहा के जस्ट डिनर करके लेटा हूँ भाई, और आँखों में बुरे वाली नींद भर रखी है, बिकॉज सुबह जल्दी उठ गया भाई एक तो, और ऊपर से इतनी ज़्यादा भागा दौड़ भाई, मतलब सुबह से घूमना फिरना हो रखा है, मतलब बैठने का तो अच्छे से मौका भी नहीं मिला, तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अभी तो फिलहाल। तो इस टाइम तो एडिटिंग करना मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी 11:30 बज चुके हैं और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची, तो सुबह उठ के करूँगा आपका एडिटिंग। तो अभी ये व्लॉग कर देते हैं पेन एंड आई होप कि आप लोग को आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हो तो सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को आज का व्लॉग, और नीचे कोई क्वेरी वगैरह हो तो पूछ सकते हो आप, कार वार से रिलेटेड अगर कुछ पूछना हो तो मैं बता दूंगा, टायर वगैरह की क्या प्राइस थे, सर्विस वगैरह ये सब चार्ज जो भी होते हैं तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये व्लॉग कर देते हैं एंड, तो गाइस आप लोगों से मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।